नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर अब तक आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी हर वीडियो से अपडेट होते रहें और अपनी जानकारी को भी अपडेट करते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पाश्चात्य कला पर आधारित ये प्रश्न है। आइए देखते हैं कौन से प्रश्न है। हमारे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप ग्रुप पे चलता है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। उस पर संडे को निःशुल्क टेस्ट होता है, मंडे को उन प्रश्नों का डिस्कशन कराया जाता है, कन्फ्यूजन दूर किया जाता है। और देखिए, ये अगले हमारे प्रश्न देखिए। ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई? ए हिंदू धर्म, बी इस्लाम धर्म, सी यहूदी धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। ईसाई धर्म की जो मूल प्रेरणा थी वो यहूदी धर्म से ली गई थी। दोस्तों, ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको लाभ ही पहुंचाने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बाइबिल कितने ग्रंथों का संकलन है? ए 22 ग्रंथ, बी 32 ग्रंथ, सी 72 ग्रंथ और डी 3 ग्रंथ। तो बाइबिल जो है वो 72 ग्रंथों का संकलन है। अगला प्रश्न देखिए। ईसा मसीह का संबंध है ए ओल्ड टेस्टामेंट, बी न्यू टेस्टामेंट, सी क और ख दोनों, डी कोई नहीं। ईसा मसीह का संबंध जो है न्यू टेस्टामेंट से था। अगला प्रश्न देखिए। प्रथम चरण में बाइजेंटाइन कला यहाँ पाई जाती है ए कॉन्स्टेंटिनोपल में, बी वियना में, सी रोम में, डी मास्को में। तो प्रथम चरण की जो बाइजेंटाइन कला थी वो कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए। फ्लाइंग बटरेस का प्रथम प्रयोग हुआ था ए सान वाइटल चर्च में, बी रीम्स गिरजाघर, सी चार्टरेस गिरजाघर। तो जो फ्लाइंग बटरेस का प्रथम प्रयोग हुआ था वो चार्टरेस गिरजाघर था। अगला प्रश्न देखिए। बाइजेंटाइन कला की विशेषता है ए मोजैक भित्ति चित्र, बी सिरेमिक भित्ति चित्र, सी टेराकोटा भित्ति चित्र और डी फ्रेस्को भित्ति चित्र। तो बाइजेंटाइन कला की जो विशेषता थी वो मोजैक भित्ति चित्र थी, ये मोजैक कला मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए। गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार ने किया था ए जॉर्जियो वसारी, बी एबोट सूजर, सी बोत्तिचेली, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कलाकार नहीं होगा, यहाँ पर होगा विद्वान। किस विद्वान ने किया था? जॉर्जियो वसारी एक कलाकार था, लेकिन ये वो कलाकार नहीं है, ये एक विद्वान था, इतिहासकार था जॉर्जियो वसारी। उसने गोथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसका उत्तर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये जॉर्जियो वसारी एक इतिहासकार था जिसने गोथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न देखिए। ईसा मसीह का 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र कहाँ पाया गया? ए सीरिया के शहर दूरा यूरोपोस में, बी रोम में, सी यरूशलम में, डी फिलिस्तीन में। तो 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट सीरिया का शहर था दूरा यूरोपोस, वहां पर पाया गया। अगला प्रश्न देखिए। ईसाई धर्म में पीला रंग प्रतीक है ए सूर्य का, बी पीले फूल का, सी स्वर्ग का, डी आम का। तो ईसाई धर्म में जो पीला रंग होता था वो स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? ए मानवीयता, बी मूर्ति पूजा, सी एक्सप्रेशनिज्म, डी प्रभाव। तो पुनरुत्थान कला शैली जो है वो मानवीयता पर आधारित थी। आपको बताते चले यहाँ पर कि एक विद्वान थे पेट्रॉक, पेट्रॉक को ही मानवता का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। इस पुनरुत्थान कला शैली के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो कला शैली थी इसको धार्मिक विषय की दृष्टि से इसका जो जन्म हुआ था और इसको ही मानवता की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग का समय क्या है? ए 1400 से 1480 ईस्वी, बी 1410 से 1490 ईस्वी, सी 1420 से 1500 ईस्वी, डी 1430 से 1510।
यूरोप की जो प्रारंभिक पुनर्जागरण का समय है वो 1420 से 1500 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ईसाई धर्म में प्रार्थना भजन संग्रह सभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए साल्टर, बी वाल्टर, सी सोफिया, डी इनमें से कोई नहीं। ईसाई धर्म में जो प्रार्थना होती है, भजन होती है, संग्रह सभा होती है, उसको कहा जाता है साल्टर। अगला प्रश्न देखिए, चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? ए आल्टर पीस, बी पूजा गृह, सी वाल्टर, डी कोई नहीं। तो चर्च की वेदी पर जो स्थापित किए जाते हैं चित्र, उसको आल्टर पीस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रोम की लुप्त तो होती हुई सभ्यता में किस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ? ए यहूदी धर्म, बी ईसाई धर्म, सी पारसी धर्म, डी कोई नहीं। तो रोम की जो लुप्त तो होती हुई सभ्यता थी, उसमें ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। अगला प्रश्न देखिए, बाइजेंटाइन अलंकरणों में सबसे अधिक अमूर्त सजावट किससे की गई? ए कूफी लिपि, बी पवित्राक्षर लिपि, सी रोमन लिपि, डी किलाक्षर लिपि। तो किलाक्षर लिपि, पवित्राक्षर लिपि, ये दोनों लिपियां तो जो है मिस्र और मेसोपोटामिया की हैं। इसमें जो है जो अमूर्त सजावट की गई वो कूफी लिपि में की गई। अगला प्रश्न देखिए, रोमनेस्क भित्ति चित्रण पद्धति को क्या कहा गया? ए फ्रेस्को ब्यूनो, बी फ्रेस्को सेको, सी रैपिड फ्रेस्को, डी पित्राधूरा। तो रोमनेस्क भित्ति चित्रण पद्धति जो थी उसको रैपिड फ्रेस्को कहा गया। अगला प्रश्न देखिए, रोमनेस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? ए पोइतू का, बेनेडिक्टाइन चर्च, बी सान विताले, सी नोत्रेदम, सी हेगिया सोफिया। तो रोमनेस्क कला का जो सिस्टाइन चैपल कहा जाता है वो पोइतू का बेनेडिक्टाइन चर्च को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कारोलिंजियन पुनरुत्थान किससे संबंधित है? ए मूर्तिकला, बी भित्ति चित्रण, सी पुस्तक चित्रण, डी स्थापत्य। तो कारोलिंजियन पुनरुत्थान जो था वो पुस्तक चित्रण से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिए, बाइजेंटाइन मूर्तिशिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव है? ए शास्त्रीय कला, बी पुनर्जागरण कला, सी हेलेनिस्टिक, डी रोमनेस्क। तो बाइजेंटाइन मूर्तिशिल्प पर जो है वो हेलेनिस्टिक का प्रभाव है। अगला प्रश्न देखिए, बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई? ए हेगिया सोफिया, बी सान वाइटेल, सी रीम्स गिरजाघर, डी चार्टरस कैथेड्रल। तो मणिकुट्टम कार्य की जो चरम उन्नत हुई बाइजेंटाइन काल में वो सान वाइटेल गिरजाघर में हुई। अगला प्रश्न देखिए, स्टेन ग्लास विधा किस शैली की प्रमुख विशेषता है? ए गोथिक, बी बाइजेंटाइन, सी रोमनेस्क, डी हेलेनिस्टिक। तो स्टेन ग्लास विधा जो है वो गोथिक काल की प्रमुख विशेषता है, जिसे स्टेन ग्लास विंडोज भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रंगीन अल्बास्टर शिल्प किस देश की गोथिक कला की विशेषता है? ए इंग्लिश गोथिक, बी इटली की गोथिक, सी जर्मन गोथिक, डी कोई नहीं। तो रंगीन अल्बास्टर शिल्प जो थी वो इंग्लिश गोथिक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, किस कला को फ्रोजन म्यूजिक यानी शांत संगीत या जमा हुआ संगीत भी इसको कहते हैं कहा गया? ए रोमनस्क, बी बाइजेंटाइन, सी गोथिक, डी हेलेनिस्टिक। तो गोथिक कला को फ्रोजन म्यूजिक यानी शांत संगीत कहा गया, इसे कहा था दांते ने। अगला प्रश्न देखिए, गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन? ए चार्टरेस कैथेड्रल, बी सेंट डेनिस गिरजा, सी रिम्स गिरजाघर, डी सेंट बसिल गिरजाघर। तो गोथिक स्थापत्य शैली का जो प्रमुख निदर्शन है वो चार्टरेस कैथेड्रल है। अगला प्रश्न देखिए, स्टेन ग्लास विधा का विकास हुआ? ए 546 से 548 ईस्वी के मध्य, बी 950 से 1240 ईस्वी के मध्य, सी 1300 से 1400 ईस्वी के मध्य, डी 330 से 430 ईस्वी के मध्य। तो स्टेन ग्लास विधा का जो विकास हुआ था वो 950 से 1240 ईस्वी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गोथिक का अंतिम तथा पुनर्जागरण काल का प्रथम चित्रकार कौन था? ए सिमाबुए, बी मार्टिनी, सी जियोत्तो, डी आंद्रिया आर्केना। तो इसमें से जो ज्योत्तो है वो गोथिक का अंतिम काल का चित्रकार और पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार इसे माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गोथिक कला का कौन सा चित्रकार है जो चित्रकला के अतिरिक्त वास्तु मूर्ति तथा काव्य कलाओं में निपुण था? ए आंद्रिया आर्केना, बी सिमाबुए, सी मार्तिनी, डी दुचियो।
गोथिक कला का जो ये आंद्रिया आर्केना था वो चित्रकला के अतिरिक्त वास्तु मूर्ति तथा काव्य कलाओं में भी निपुण था, आंद्रिया आर्केना। अगला प्रश्न देखिए, फ्लाइंग बैट्रेस का प्रयोग सर्वप्रथम किस कला में किया गया? ए रोकोको शैली, बी शास्त्रीय कला, सी गोथिक शैली, डी बाइजेंटाइन। तो फ्लाइंग बैट्रेस का जो प्रयोग हुआ सबसे पहले वो गोथिक काल में किया गया, गोथिक शैली में। अगला प्रश्न देखिए, इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? ए सिमाबुए, पिजियोटो, सियंजस, डी दूचियो। इटली की जो चित्रकला थी उसका पिता कहा जाता है सिमाबुए को। दोस्तों इसमें आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे मिलेंगे। जो हमारे दोस्त पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा है, और टीजीटी की तैयारी करने वालों के लिए भी अच्छा है। देखते हैं, निम्न में से गोथिक कलाकार हैं? ए मार्तनी, बी सिमाबुए, सी जियोत्तो, डी सभी। तो गोथिक कलाकार आपसे पूछ रहा है, तो इनमें से जो सभी हैं वो ये सभी गोथिक काल के कलाकार हैं। गोथिक शैली मुख्यतः थी ए चित्रकला, बी वास्तुकला, सी नाट्यकला, डी कोई नहीं। तो गोथिक शैली मुख्यतः वास्तुकला थी। अगला प्रश्न देखिए, जियोत्तो क्या था? ए चित्रकार, बी वास्तुकार, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो जियोत्तो जो था वो चित्रकार भी था, वो वास्तुकार भी था, तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, कुमारी का सिंहासनारोहण नामक चित्र किसका है? देखिए ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। ए पिकासो, बी विंची, सी रैफेल, डी आंद्रिया आर्केना। तो कुमारी का सिंहासनारोहण ये चित्र है आंद्रिया आर्केना का। अगला प्रश्न देखिए, मानवतावाद किसकी कुंजी है? ए पुनरुत्थानवाद, बी स्वच्छंदतावाद, सी यथार्थवाद, डी प्रभाववाद। तो मैंने शुरू के ही प्रश्नों में आपको बताया कि जो पुनर्जागरण काल था वो मानवता, उसका जो मेन उद्देश्य था वो था मानवतावाद। तो मानवतावाद पुनरुत्थानवाद की कुंजी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पुनरुत्थान कला का केंद्र था? ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी इटली, डी फ्रांस। तो पुनरुत्थान कला का जो केंद्र था, पुनर्जागरण जब हुआ था तो वो इटली में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पियरो डेला फ्रांसिस्का किस युग का एक इटालियन चित्रकार था? ए उच्च पुनर्जागरण, बी प्रारंभिक पुनर्जागरण, सी बरोक, डी रोकोको। पियरो डेला फ्रांसिस्का जो था वो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का चित्रकार था। पुनर्जागरण कालीन वास्तुकला का पिता किसे कहा जाता है? ए पियरे डेला फ्रांसिस्का, बी फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की, सी मसाचियो, डी पाओलो उच्चेलो। तो पुनर्जागरण कालीन जो वास्तुकला का पिता माना जाता है उसे फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? ए जोतो, बी मसाचियो, सी सिमाबुए, डी पाओलो उच्चेलो। तो आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार था जियोत्तो। अगला प्रश्न देखिए, पैरेगन ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? ए माइकल एंजिलो, बी लियोनार्डो दा विंची, सी रैफेल, डी रूबेंस। तो पैरेगन ग्रंथ जो है वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, मरते हुए दास कहाँ सुरक्षित है? ये पेंटिंग है दोस्तों, और मरते हुए दास ये बनाया था माइकल एंजिलो ने। ये पूछ रहा है कहाँ सुरक्षित है? ए लूवर संग्रहालय, बी वेटिकन सिटी, सी एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट, डी सैन पियत्रो इन विंकोली रोम। तो मरते हुए दास जो है वो लूवर संग्रहालय में ये पेंटिंग सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखिए, मृत्यु संबंधी चित्रमालाओं की रचना किस कलाकार ने किया था? ए हांस ओल्विन कनिष्ठ, बी पाओलो बेरोनीस, सी लुका क्रेनेक, डी रैफेल। तो मृत्यु संबंधी चित्रमालाओं की रचना की है हांस ओल्विन कनिष्ठ। अगला प्रश्न देखिए, लियोनार्डो का जन्म हुआ था 1457 में, बी 1460 में, सी 1452 में, डी 1552 में। लियोनार्डो का जो जन्म हुआ था वो 1452 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? ए रैफेल, बी माइकल एंजेलो, सी टिशियन, डी ड्यूरर। तो डिवाइन पेंटर कहा जाता है रैफेल। अगला प्रश्न देखिए, फ्रा एंजेल को किस शैली का चित्रकार था? ए बरोक, बी पूर्व पुनर्जागरण, सी उच्च पुनर्जागरण, डी रीतिवाद। तो
एंजेलिको जो था वो पूर्व पुनर्जागरण काल का चित्रकार था। उच्च पुनर्जागरण के तीन मुख्य कलाकार थे लियोनार्डो, माइकल एंजेलो और राफेल। अगला प्रश्न देखिए, चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? यानी हाई रिनेसा में आपको पूछ रहा है वेनिस का प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? ए टिशियन, बी कैरावेजियो, सी जॉर्जियन, डी लॉरेंजो लॉटो। तो ये जो है वेनिस का जो चित्रकार था वो था जॉर्जियन। ये हाई रिनेसा का वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार था। अगला प्रश्न देखिए, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? ए अंतिम गोथिक, बी बाइजेंटाइन, सी पूर्व पुनरुत्थान काल, डी चरम पुनरुत्थान काल। जो इटली में 15वीं सदी की कला थी वो थी पूर्व पुनरुत्थान कला। अगला प्रश्न देखिए, हवाई जहाज का सर्वप्रथम रेखांकन किसने किया? ए रेम्ब्रा, बी माइकल एंजेलो, सी राफेल, डी लियोनार्डो दा विंची। तो जो लियोनार्डो दा विंची को वंडर ऑफ द एज कहा जाता है और इसी ने हवाई जहाज का पहला चित्रांकन बनाया था। ऑरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन 1486 ईस्वी, जिसे पुनरुत्थान का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, किसकी प्रसिद्ध रचना है? देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ए माइकल एंजेलो, बी पियो पिकोडेला मेरेडोला, सी मैटियो फेलमेरी, डी कोई नहीं। तो ऑरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, जिसे पुनरुत्थान काल का घोषणा पत्र कहा जाता है, ये रचना है पिकोडेला मेरेडोला का। देखिए, वीर नायक का आदर्श पुनरुत्थान कला में किस मूर्ति ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? किस मूर्तिकार, यहाँ मूर्ति नहीं होगा, यहाँ होगा मूर्तिकार, मूर्तिकार ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? ए लॉरेंजो घिवर्ती, बी दोनातेल्लो, सी गिरलैंडियो, डी माइकल एंजेलो। तो देखिए ये मूर्ति भी आपको बता दें कि वीर नायक का आदर्श जो है, जो मूर्ति मानी जाती है वो है डेविड की मूर्ति। डेविड की मूर्ति को सबसे पहले बनाया था दोनातेल्लो ने। अगला प्रश्न देखिए, किसने मसीह का ध्वज 1455 से 1460 ईस्वी में को किसने चित्रित किया था? ए पियरे देला फ्रांसिस्का, बी सांद्रो बोटिचेली, सी फ्रा एंजेलिको, डी फिलिप्पो ब्रुनालेस्सी। तो मसीह का ध्वज जो चित्र है वो पियरे देला फ्रांसिस्का का है। इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है ये, पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध महिला कलाकार थी? ए आर्टेमिसिया जेंटिलेस्की, बी एलिसाबेटा सिरानी, सी लेवेनिया फोंताना, डी उपरोक्त सभी। तो पुनर्जागरण प्रसिद्ध महिला कलाकार, दोस्तों ये सभी जो कलाकार हैं सब महिला कलाकार हैं और ये आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको डीप पढ़ाई करके जो है आपको जो हम प्रश्न पत्र देते हैं, कोशिश करते हैं कि उसमें कोई भी गलती ना हो। और देखिए आपके लिए आज मैं एक प्रश्न आपको दे रही हूँ, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा। तो ये प्रश्न है, देखिए मैं प्रश्न लिखे दे रही हूँ, उसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई एम ब्यूटीफुल, ये जो मूर्ति है ये 1882 में बनी हुई मूर्ति है। मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? ये जो है प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर अगली वीडियो में इसका उत्तर आपको बताया जाएगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार।